पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की नई भर्ती के रिगार्डिंग न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर एक और नई भर्ती के रिगार्डिंग बताया गया है कि एक नई अपडेट जिसमें बीएड कैंडिडेट को मौका मिलेगा, जो नए कैंडिडेट भी हाल ही में जिन्होंने बीएड किया हुआ है, और इसमें जो है नए सिरे से भर्ती करने के निर्देश जारी कर दिए। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि कला शिक्षक की भर्ती नए सिरे से कराए सरकार। तो यहाँ पर सरकार से कहा है कि नए सिरे से भर्ती कराने की बात कही है। इसमें हाईकोर्ट ने बताया गया है कि सहायक अध्यापक जो कला विषय की भर्ती प्रक्रिया इसमें जो है शीघ्र कराने के मामले में दायर याचिका में सुनवाई की है, और इस मामले में जो है सुनवाई करते हुए कहा है कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन शांति ने की ओर से जो यहां पर सुनवाई हुई उसमें हाईकोर्ट ने दायर जो याचिकाकर्ता है उन पर जो सुनवाई के बाद निर्देश दिए हैं कि नई सिरे से यह भर्ती करने के निर्देश 4 सप्ताह का समय दिया। तो 4 सप्ताह में नई सिरे से भर्ती करने की बात कही है। इसमें कुल 246 पद यहाँ पर हैं, जिसमें निरस्त करने के बाद सरकार को यहाँ पर जो है नई सिरे से भर्ती करने की प्रारंभिक निर्देश जारी करे हैं, और नई विज्ञप्ति जो है नई सिरे से होनी है। इसमें जारी होने वाले जो है अब यह अभ्यर्थी भी यहाँ मुझे इस भर्ती परीक्षा में जो है सम्मिलित हो सकेंगे, जिन्होंने बाद में भी जो है न्यायालय में लंबित होने के दौरान बीएड कर लिया है। इनकी जिन लोगों ने बीएड कर लिया है उनको अब यहाँ पर भर्ती जो नई सिरे से होने वाली है उनमें अब कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। ऐसे अभ्यर्थी सम्मिलित यहाँ पर बताया गया, इससे पहले ऐसे अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हो पा रहे थे। तो इससे पहले ये ऐसे अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हो पा रहे जिन्होंने बीएड अभी कर रखा है, लेकिन अब कहा गया है कि इसमें कि नई अपडेट यह है कि बीएड कैंडिडेट अब जिन्होंने अभी पास कर लिया है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। ये एक बड़ी अपडेट है जिसमें भर्ती दोबारा करने के नए सिरे से भर्ती करने के बाद कहीं इनकी विज्ञप्ति दोबारा आने की चांसेस बताए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सरकार से करे गए हैं, अब देखते हैं कब तक यहाँ पर करती हैं, वो बड़ी बात है जिसमें यहाँ पर जो है अब कोर्ट के द्वारा बताया गया है इसमें भर्ती पुनः करने की बात कही।